क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर एंड देन विजिटर एट मिडनाइट इसमें पढ़ रहे थे पिछले दिनों रात्रि आधी रात को आने वाले उस व्यक्ति के बारे में जो उस सीक्रेट एजेंट के कमरे में गुप्तचर के कमरे में प्रवेश कर गया था मैक्स और किस तरह से उस गुप्तचर ने आश्वर जिसका नाम था कितनी बुद्धिमानी से उसने उसको बाहर निकालने की व्यवस्था की। ऑक्सवेल ने कितनी बुद्धिमानी से उस मैक्स से यह कहा, जब मैक्स ने उससे उस आवश्यक कागजातों को मांग की तो ऑक्सवेल ने बड़ी बुद्धिमानी से एकाएक एक योजना बनाई और मैनेजर के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए उसने ये कहा कि इस कमरे के बाहर दूसरे से कमरे से होकर एक बालकनी आती है जिससे खिड़की के माध्यम से लोग इस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और मैक्स का आना एक दूसरी घटना है। मैं चल के अभी मैनेजर से इसकी शिकायत करता हूँ, होटल मैनेजर से इसकी शिकायत करता हूँ और यह बात मैक्स की समझ में आती है कि खिड़की के बाहर कोई बालकनी है जिससे कोई परिस्थिति आने पर वो उस पर उतर जाएगा और छिप जाएगा। उसी समय दरवाजे पर खटखटाहट होती है और मैक्स उस रास्ते का लाभ लेने के लिए खिड़की पर अपने भागने की योजना से चढ़ जाता है और अपना एक पैर बाहर कर लेता है। दरवाजे की खटखटाहट तेज होने पर वो और सावधान हो जाता है और ज्यों ही ऑक्सवेल दरवाजे को खोलता है तो पुलिस के डर से उसने पहले ही कह रखा है कि पुलिस आई होगी, तो पुलिस के डर से वो पहले खिड़की पर जाता है मैक्स, फिर अपना पैर नीचे करता है और जो ही दरवाज़ा खोलता है वो पुलिस के डर से बालकनी पर कूद जाता है और चूंकि वहाँ कोई बालकनी नहीं है, ये झूठी मूठ का ऑक्सवेल ने मैक्स को ये विश्वास दिला दिया था कि बाहर बालकनी है और मैक्स यह आश्वस्त था कि उस बालकनी पर कूद के वो भाग जाएगा, तो वो निश्चिंत होकर बालकनी पर कूदता है लेकिन बालकनी न होने से वो नीचे गिर जाता है और उससे एक चेख निकल जाती है। दरवाज़ा खुलता है तो बेरा एक प्लेट लिए एक बोतल और दो गिलास लेकर वहाँ आ जाता है क्योंकि इसको इसका आदेश उसने आते समय ही बेरे को दे दिया था कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरे कमरे में दो गिलास और एक बोतल लेकर आओ। अब वहाँ फॉलर था उसके साथ में, फॉलर जो एक लेखक था और उस गुप्तचर के यहाँ कुछ रोमांचकारी कहानियों का संग्रह, कुछ रोमांचकारी कहानियों के लिए मैटर संग्रह करने के लिए वो आया था। उससे कुछ कथाएं ऐसी मालूम होंगी जिसे मैं अपनी कहानी में देकर इसे रोचक बनाऊंगा,
लेकिन वो मैक्स की बंदूक को देख कर डर गया था। वह एक मात्र श्रोता के रूप में उस कमरे में खड़ा था और जब बेरा ग्लास लेकर आया और मैक्स नीचे गिर चुका था, इतना आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमको देखना है कि क्या होता है। वाइट फेस्ड एंड शेकिंग फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। जब वो टेबल पर रख के बेरा चला गया तो हॉलर ने आसबल से पूछा, पहले तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सफ़ेद हो गया था डर से, तो वाइट फेस्ड सफ़ेद चेहरा और वो डर से कांपने लगा था एंड शेकिंग। सफ़ेद चेहरा और कांपते हुए हॉलर ने स्टार्टेड आफ्टर हिम उसके जाने के बाद कहना शुरू किया उसे, बट ही स्टैमर्ड वो हकलाते हुए कहा, डर से वो हकला रहा था कॉलर। उसने कहा कि बट द पुलिस, पुलिस कहाँ है? आपने अभी कहा कि दरवाजे पर पुलिस खटखटा रही है, बेरा तो अंदर आया लेकिन पुलिस नहीं आई। बट देयर इज नो पुलिस, वेयर इज द पुलिस? Is he was terrified too much. He was too much afraid and his face has grown white and he was shivering due to fear, shaking due to fear. And in stammering language he said, he asked, where is the police? Asibal ne kaha, there were no police. Asibal said, Asibal ने कहा कि भाई कोई पुलिस नहीं है वहाँ, कोई पुलिस नहीं है, पुलिस वुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो मैंने इस तरह की एक तरह का मैंने एक वातावरण क्रिएट किया था, ये मेरी एक काल्पनिक व्यवस्था थी जिससे मैक्स प्रभावित हुआ और नीचे गिर गया। Only Henry, whom I was expecting. ये तो केवल बेरा Henry था जिसकी मैं आशा कर रहा था आने की, कि बेरा लेकर आता होगा। और जो ही वो आगे खटखटाने लगा उसे मैंने पुलिस कह दिया, जिससे ताकि वो मैक्स डर के भाग जाए। It was not police, it was Henry, and I was waiting for him. और मैंने उसका फ़ायदा ले लिया उसे खटखटाने का। आई टुक द बेनिफिट ऑफ हिज नॉकिंग एट द डोर बट ओन द मैन आउट ऑन द बालकनी। फॉलोअर बिगन, फॉलर बिगन, फॉलर ने फिर कहा कि क्या वह आदमी फिर जो बालकनी पर है वह नहीं आ जाएगा? वही समझा था कि बालकनी है, उसी पर वो भाग के खड़ा होगा। उसने कहा था कि तब तक मैं बालकनी पर वेट कर रहा हूँ, पुलिस से कह दो कि चली जाए। लेकिन बालकनी थी नहीं, इसलिए वो तो नीचे गिर चुका था। लेकिन फाउलर यही जानता था कि ही इज ऑन द बालकनी, ही इज स्टिल ऑन स्टैंडिंग ऑन द बालकनी। तो उसने डर से पूछा कि पुलिस नहीं आई तो अब वो आ जाएगा, नाउ ही विल कम Because he is at the balcony. And here the story finished. यही कहानी खत्म हो जाती है। अब वो उसको कहना चाहिए कि he will not, हाँ आगे क्या कहा देखिए। No, said Asibal. He won't return. Asibal ने कहा, उसने जब ये कहा कि ही विल कम बैक, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी एंड ही विल कम बैक अगेन,
तो फिर हावलर ने जरूरत आसवल ने कहा कि नो ही वोंट रिटर्न, नहीं अब वो नहीं लौटेगा। यू सी माय यंग फ्रेंड देर इज नो बालकनी, मेरे युवा मित्र देखो वहाँ कोई बालकनी नहीं है, वो तो नीचे चला गया, देर इज नो बालकनी एट ऑल। ये तो हमारी एक मानसिक कल्पना थी, उसे यह विश्वास दिलाने के लिए बालकनी है और वो नीचे उतरे और गिर जाए, ये मेरी काल्पनिक योजना थी। रियली देर इज नो बालकनी एंड ही विल नॉट कम बैक, डोंट बी एफ्रेड, मत डरो अब वो नहीं है। द स्टोरी फिनिश्ड। की टू रीड एंड फाइंड। अब इसको पढ़ने के लिए की क्या है, इसकी कुंजी देखिए आप इन प्रश्नों को देखिए, इनका उत्तर खोजिए और इसी से कहानी को समझिए। हाउ इज आसवल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, दूसरे गुप्तचरों से वो कैसे भिन्न है आसवल। गुप्तचर जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा या जो इस तरह के सीरियल्स आते हैं उनमें देखा होगा कि गुप्तचर लंबी कोट पहनता है, टोपी पहनता है, पैंट पहनता है और वो काफ़ी स्वस्थ दिखता है, काफ़ी स्मार्ट दिखता है। यू हैव सीन इन दी सीरियल्स आर द फिल्म्स एंड इन योर माइंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ ए सीक्रेट वर्कर, बट आसिबल ये सिंपल लुकिंग मैन, सामान्य सा दिखने वाला मोटा आदमी, ढीला ढाला केयरलेस आदमी, ये तो बिल्कुल भिन्न है ना। जबकि गुप्तचर बहुत स्मार्ट दिखता है, उसका इंग्लिश है, काला चश्मा लगाए रहता है और ये मोटा आदमी ढीला ढाला एंड वेरी सिंपल एंड ही लिव्स एट अ वेरी सिंपल प्लेस, देयरफॉर इन दिस वे ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट वर्कर्स। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? अब ये आसवल, ये फाउलर कौन है? फाउलर एक लेखक है जो वहाँ कुछ रोमांचकारी घटनाओं के संग्रह के लिए आया है, जो एक कहानी लिखेगा और इन घटनाओं का उन्हें चित्रण करेगा, इसीलिए वो आया था। ही हैज कम टू मीट एंड व्हाट वाज द ऑथेंटिक थ्रिल, उसकी ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी, उसे विश्वसनीय जो जो घटना उसके सामने हुई, तो एक आदमी पिस्टल लेके वहाँ आया, दैट वॉज ए थ्रिलिंग वारिंग, वह एक उत्तेजनाजनक घटना थी कि जो ही वो कमरे में पहुँचा वहाँ देखा तो एक आदमी पिस्टल उतारने खड़ा है, जिसे वो डर गया, एंड दैट वॉज टू मच थ्रिलिंग वारिंग। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे उस कमरे में आया था, मैक्स ने कहा ना कि अगर मैं बालकनी के बारे में जानता तो मेरा आना आसान हो गया होता, मैं तो चाबी लेके आया। ही हैज़ गॉट अ सेकेंड की ऑफ द लॉक ऑफ द रूम एंड ओपनिंग द लॉक ही हैज़ एंटर्ड द रूम, वो तो ताला खोल के आया था, उसकी बालकनी की जानकारी तो थी नहीं, वो तो बालकनी की कल्पना थी ना, वो बालकनी के बारे में जानता नहीं, ताला खोल के आया था। How does Asbal say he got, or how does Asbal say he got in?
और अश्वल कैसे उसके आने की बात करता है। अश्वल वो तो कहता है कि हम ताली खोल के आए, और अश्वल क्या कहता है, अश्वल कहता है कि बालकनी से होके आया है। और ये भी कहता है कि एक बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी कि आदमी बालकनी से आ चुका है, और मैं जाके इसकी मैनेजमेंट से शिकायत करूँगा। तो अश्वल कहता है कि ही हैज कम थ्रू द विंडो, ही हैज कम थ्रू द विंडो विद द हेल्प ऑफ द बालकनी। अश्वल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। अब जैसा आपने देखा है सीरियल्स में या फिल्मों में किसी गुप्तचर को, जिस तरह से आपने देखा है, जिस रूप में देखा है, वैसे ही ये फॉलर ने भी गुप्तचर के बारे में इसी तरह से पढ़ा था या देखा था। उसने भी फिल्मों और उसमें गुप्तचर को इस रूप में देखा था, लेकिन जब ये अश्वल से मिला तो वो बिल्कुल भिन्न था। जो कुछ उसने एक गुप्तचर के बारे में धारणा बना रखी थी कि ऐसा होना चाहिए, या जो कुछ उसने किताबों में पढ़ के जाना था गुप्तचर का यह रूप होना चाहिए, तो जब अश्वल से मिला तो वो बिल्कुल उससे भिन्न था। क्योंकि न तो बहुत स्मार्ट था, न तो बहुत शरीर से ही सुगठित था, वो मोटा ताजा था, न तो बहुत सावधान ही था, ही वॉज वेरी केयरलेस मैन। इन दिस वे ही वॉज नॉट फिट फॉर ए सीक्रेट एजेंट एज अश्वल एज फॉलोअर हैज नोन अबाउट सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट के बारे में जैसे कि सोचते उसके अनुकूल नहीं था, फिट नहीं था। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन। अब आपके राय में कैसे दिखते हैं सीक्रेट एजेंट, आपने कैसा देखा है सीक्रेट एजेंट को, आपकी क्या धारणाएं हैं सीक्रेट एजेंट के बारे में, गुप्तचर के बारे में। डिस्कस इन ग्रुप्स इन द क्लास, आपने क्लास में कहानियों के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से इन उनके इस रूप पर बहस कीजिए, बातचीत कीजिए, इनका वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एंड सीक्रेट एजेंट्स डिटेक्टिव एंड सीक्रेट एजेंट्स स्पाइस डिटेक्टिव एंड सीक्रेट एजेंट्स भेजिए, या डिटेक्टिव या सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जैसा कुछ आप जानते हैं आप लोग आपस में एक दूसरे को बताइए। एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विथ दैट ऑफ अश्वल इन दिस स्टोरी। और इस कहानी में अश्वल का जो जिस रूप में चित्रित किया गया है अश्वल को, उससे उसकी तुलना कीजिए। आप मूवीज और इनमें जो देखा है जिस तरह के उसको, उनके बारे में आपस में बात कीजिए, और फिर उसकी तुलना इस अश्वल से कीजिए जिसका चित्रण इस कहानी में एक गुप्तचर के रूप में किया गया है। यू मे मेंशन डिटेक्टिव्स फ्रॉम फिक्शन इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा से अधिक जो और अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त और जो आपने उपन्यास पढ़े हैं उनमें कैसे चित्रित किया गया है किसी गुप्तचर को, उससे तुलना कीजिए। इन इंग्लिश फिक्शन यू मे हैव कम अक्रॉस, और अंग्रेजी फिक्शन अगर आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी उपन्यास आप पढ़ते हैं, तो आप जो है शेरलॉक होम्स या हरक्यूल पायरोट या मिस्टर मार्पल, इन सब सीक्रेट एजेंट्स के संपर्क में आए होंगे,
इनकी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो हैव यू वॉच्ड एनी मूवी फीचरिंग जेम्स बॉन्ड, या जेम्स बॉन्ड के किसी मूवी को अगर आपने देखा है तो उसमें कैसे इसका चित्रण किया गया है, इससे आप पॉसिबल की तुलना कीजिए, आप देखिए और इसे मिलाइए कैसे हैं वो। हाउ डज, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज आंसरबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी टू द रूम। अब आसवल ने कैसे व्यवस्था की कि मैक्स को ये विश्वास हो जाए कि खिड़की के पीछे बालकनी है, कैसे उसने समझाया। उसने पिछली घटना का उदाहरण दिया कि मैक्स की तरह पिछले दिनों एक आदमी इंटर कर गया था इसी से, और उसने ये बताया कि पीछे वाला कमरा जो है उसमें कोई नहीं रहता है, वो खाली है, उसी से ये बालकनी यहाँ तक आती है, जिस बालकनी से लोग यहाँ तक आ जाते हैं। मैनेजर को कहा कि हमने शिकायत की है, उसने कहा है कि हम उसे बंद कर देंगे रास्ते को, ये सब सारी चीज़ें ऐसी इस तरह से वो वर्णन करता है कि वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, विश्वस्त हो जाता है मैक्स कि पीछे कोई बालकनी है, उसी से हम बच जाएंगे। ये डिस्क्राइब्स द बालकनी बिहाइंड द विंडो इन सच ए वे, गिविंग द एग्जांपल ऑफ द लास्ट इवेंट व्हेन ए मैन हैज कम हैज इंटर्ड इनटू द रूम, दो द ऑल द थिंग्स वर फेक, दो द ऑल द स्टोरीज वर फॉल्स, ऑल द न्यूज वर फॉल्स, बट दे मेड मैक्स कॉन्फिडेंट दैट देयर इज ए बालकनी एंड ही कैन सेव हिमसेल्फ क्रॉसिंग द विंडो। थर्ड क्वेश्चन, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक पॉसिबल थॉट ऑफ हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स। अब इस कहानी को पूरा का पूरा पढ़ के आप लोग क्या सोचते हैं कि ये पॉसिबल ने ये योजना कब बनाई? उस बालकनी की कथा, कहानी की योजना आसिफुल ने कब बनाई होगी? उसी समय उसने बनाई या पहले से उसने सोच रखा था? मैक्स से छुटकारा पाने के लिए उसने जो ये कथा, ये कहानी सुनाई पिछली बार किसी के आने की, और जैसे उसने बालकनी का चित्रण किया, तो उसको क्या वो पहले से सोच रखा था? या डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या शुरू से ही उसने इस बात को सोच रखा था? और डिड ही मेक अप प्लान एज टाइम वेंट ऑन अलोंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इवेंट एज दे हैपेंड? या जो घटनाएँ घटी उसका लाभ लेते ही उसने योजना बनाई? यह योजना पहले से कैसे बना था? मैक्स पहले से पूछा नहीं, असबल के मालूम नहीं था कमरा खोलने पर वहाँ मैक्स मिलेगा, और अब इस तरह से उसको बता करके उसे धोखा देंगे। क्योंकि वो कमरे को जब खोला है, लाइट जलाया है, तब उसने देखा कि देयर वाज ए मैन विद अ गन, एंड देन एडवांस ही प्लान्ड ए स्टोरी। और जब उसने देखा तब तुरंत उसने एक योजना बनाई इस कहानी की, और इस कहानी के माध्यम से उसको ये विश्वास दिलाया कि पीछे बालकनी है जिससे लोग आते जाते हैं। तो दिस वॉज प्लान्ड इंस्टेंटली एट द सेम मोमेंट व्हेन ही सॉ दैट मैक्स वॉज विथ ए गन इन द रूम। टॉक अबाउट in this story Asibul shows great
प्रेजेंस ऑफ माइंड, यह आर्ष बुद्धि का परिचय देता है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड त्वरित बुद्धि का, तुरंत काम करने की बुद्धि का इसने आशुगोल ने परिचय दिया है इस कहानी में। आर दी एबिलिटी टू थिंक क्विकली, या तुरंत सोचने की क्षमता का परिचय दिया उसने। एंड एक्ट कामली एंड वाइजली, और उसने बड़ी ही शांति और बुद्धिमानी से काम किया। इन सिचुएशन ऑफ द डेंजर, इस घटना इस खतरनाक परिस्थिति में, अत्यंत खतरनाक परिस्थिति थी, कोई आदमी भीतर पिस्तौल ले खड़ा हुआ है, और फिर उसने बड़ी शांति और बड़े ही धैर्य के साथ इस कहानी का ताना बाना बनाया और तुरंत अपने बुद्धि का परिचय देते हुए उसने सब सारी चीज़ें की। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नरेट अ स्टोरी विच शोज समवन पर्सन ऑफ माइंड। तो आप इसी तरह किसी व्यक्ति का परिचय दीजिए, उसे कहानी बताइए जिसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए तुरंत उपाय को खोज कर उसके कार्यक्रम करते हुए किस तरह से सफलता पाई। ऐसी किसी कहानी को ढूंढिए और बताइए। ट्राई टू फाइंड आउट, आप अपने मन में सोचिए, डिस्कस व्हाट यू डू इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बनी। अब कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने रखी जा रही हैं, आप उन परिस्थितियों में क्या करेंगे, आप सोचिए। अगर इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आ जाए, इस सच कंडीशन बिफोर कम बिफोर यू, हाउ विल यू बिहेव। रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कम्स आउट ऑफ द स्टेट ऑफ मेंटल प्रिपेयरनेस। याद रखिए कि मानसिक जो तैयारी होती है उसी से ये प्रेजेंस ऑफ माइंड लोगों में आता है। इफ यू हैव थॉट अबाउट पॉसिबल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स, अगर आप इन समस्याओं इन संभावित समस्याओं या खतरों के बारे में आपने कभी सोचा है, एंड अबाउट हाउ टू एक्ट इन सच सिचुएशन, और कैसे इन परिस्थितियों में कुछ किया जा सकता है, यू हैव बेटर चांस ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशंस इफ दे डू अराइज। अगर आप इन परिस्थितियों के बारे में कभी सोचे हों और उन परिस्थितियों के लिए क्या उपाय आप करेंगे, ये इस बातों पर अगर आपने कभी विचार किया हो, तो उससे आपको इन परिस्थितियों के आने में मदद मिलेगी। अगर आपने सोचा कि कुत्ता अगर हमको काटने के लिए दबा लेता है तो हम क्या करेंगे, कैसे बचें, इस बात को अगर सोचा होगा आपने, तो अगर कहीं ऐसी घटना होती है जो कुत्ता आपको दबाता है काटने के लिए, तो आपकी सूझ जो दिमाग कर रही है वो काम कर जाएगी। जैसे कोई कुत्ता दबाता है, उसके पीछे कोई कपड़ा है उसको फेंक दीजिए, वो उसी में वो लग जाएगा, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों के बारे में आप पहले से सोचे हों, तब ना आप सोच करेंगे, तो ऐसी घटनाएं हैं आपकी। ये स्मॉल फायर स्टार्ट्स इन योर किचन। मान लीजिए आपकी किचन में आग लग गई, छोटी सी आग लगी। अगर आपने आप जानते हैं कि आग लगने पर उसको किसी कपड़े से अच्छी तरह से ढक देने पर ऑक्सीजन न मिले तो आग बुझ जाती है, इस तरह घटना का अगर आपने कभी सोचा होगा तो आप उपाय कर लेंगे, तो आपको तुरंत बुद्धि आदमी काम कर जाएगी और आप बच जाएंगे। या ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोक ऑन ए पीस ऑफ फूड, या कोई बच्चा उसे गले में कुछ फंस जाए। कभी कभी बच्चे देखते हैं सिक्के खा लेते हैं, गले में फंस जाता है, उल्टा करके ठोंक देंगे आप तो सिक्का संभवतः निकल जाएगा।
अगर बच्चे को पैर के बल ऊपर उठा लेते हैं, सर नीचे कर देते हैं, उसको सर पर घेर दे या गर्दन पर फूकते हैं, तो इससे पैर सुनता ही नहीं। इन परिस्थितियों में क्या करेंगे? इन परिस्थितियों में पहले बारिश बच्चे रहेंगे तब ना। या जैसे एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टार्ट्स टू हिस एंड गिव्स आउट अ स्पार्क, कहीं कनेक्शन में कहीं से कुछ गड़बड़ी हुई और वहाँ से वो स्पार्किंग होने लगी, अब क्या करें? पहले आप कनेक्शन काट देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे पहला काम, लेकिन आप इस बात को जानते रहेंगे तब ना करेंगे, नहीं तो आप घबरा जाएंगे और दुर्घटना हो सकती है। या ये बाइसिकल नॉक्स डाउन ए पेडेस्ट्रियन, अब साइकिल से आप जा रहे हैं, आगे आगे कोई आपके पैदल चल रहा है और उसको आपने धक्का मार दिया, अब क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, सवाएंगे, देखेंगे कहाँ चोट लगी है, उसे दवा करनी है, क्या करनी है, या आप भागेंगे, क्या करेंगे? अगर आप पहले से इन परिस्थितियों को देखे हैं, समझे हैं, तो वो आप समय पर काम दे जाएंगे। इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 24 आवर्स, और 24 घंटे से अधिक पानी बरसने लगा। मान लीजिए पानी बरसने लगाता है, 24 घंटे में पानी बरसता है, आप कई रास्ते फंस गए हैं, क्या करेंगे? पहले से इसके बारे में सोचे रहेंगे तब ना। कभी आपने इसके बारे में सोचा है? ए मेंबर ऑफ योर फैमिली डज नॉट रिटर्न होम एट द यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम, अब आपके परिवार का कोई बच्चा जैसे गया था स्कूल गया है, तो वो 4 बजे छुट्टी हुई नहीं लेगा, या आपके पेरेंट्स कहीं बनारस गए हैं किसी काम से, वो शाम तक लौट आते हैं, रात हो गई नहीं लौटे, इन परिस्थिति में आप क्या करेंगे? या आपकी जो तुरंत बुद्धि है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वही काम करेगा? तो इस तरह बातों को आप पहले से अगर सोचे रहते हैं तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत काम कर जाएगा। यू विल टेक दिस स्टेप्स बट यू हैव टू डू, आप पुलिस को सूचना देंगे, आप और लोगों से कहेंगे, आप उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, स्कूल जाएंगे, लोगों से मिलकर पूछेंगे क्या कहीं आपने देखा है, अगर बच्चा गया हुआ है, या परिवार के लोग ने टेलीफोन करेंगे, आप जहाँ गए थे वहाँ फ़ोन करेंगे, क्या वो वहाँ से चले नहीं चले, बीच में कोई घटना हुई नहीं हुई, आप पुलिस को भी फ़ोन कर सकते हैं कि कोई दुर्घटना तो नहीं बीच में हुई। ये सब सारी चीज़ें दीज है थिंग्स विल कम योर माइंड प्रेजेंटली एंड यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू देम इफ यू हैव थॉट ऑलरेडी। तो आप इन परिस्थितियों के बारे में सोचिए, बैठ कर बैठे हुए हैं, ये काम की बातें करते सीखे, आप सोचिए इन परिस्थितियों के, और इस कहानियों से, इन सब कहानियों से लाभ लीजिए कि असगुर कितना बुद्धिमान था, किस परिस्थिति की तो उसने टैकल किया अपनी बुद्धिमानी से, ही मैनेज्ड द पर्सन टू गो अवे एंड डाई।